हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12 से लेकर 13,000 के बीच में आने वाले कुछ बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन के बारे में। 12 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर भी आपको बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इस प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट फोन कौन सा रहेगा, ये चूज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। तो इस वीडियो के लिए हमने काफी ज्यादा रिसर्च, रिव्यूज और एनालिसिस किया है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जिसे आप 12 से 13,000 के बीच में बाय कर पाएंगे। हमने 4 में से 2 बेस्ट 4G फोन को रखा है और वहीं 2 बेस्ट 5G फोन को रखा है, जो कि आपको 12 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। बाकी सभी स्मार्टफोन के अंदर पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा आपको, सुपर एमोलेड 90Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, अच्छा खासा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी कुछ ट्रू 5G फोन तो है ही। तो फिलहाल अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट फोन की तलाश कर रहे हैं, वो भी 12 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, हमने इन चारों स्मार्टफोन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, तो हम शुरू करने वाले हैं लास्ट के नंबर से, नंबर 4 से। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन आपको फिलहाल 12,000 के आसपास मिल जाएगा बिना किसी बैंक ऑफर के, और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक ट्रूली 5G फोन है। तो इस फोन का नाम है मोटो G51 5G। 12 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर यही एक ऐसा फोन है जिसमें सबसे ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट है। इसके साथ ही बाकी के फीचर्स भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं इस फोन के अंदर। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.1 mm की थिकनेस है, मतलब स्लाइटली थिक है ये फोन, मोटा फोन है, एंड 208 ग्राम वेट है, तो वेट भी थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हो आप। ऑल्सो IP52 की रेटिंग दी गई है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, काफी ड्यूरेबल फोन है ये। खैर, इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, जो कि काफी लाउड है, स्पीकर से ज्यादा इशू नहीं होगा आपको। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि बहुत ही फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन MyOS, जो कि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होता है। किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा आपको। मोटो ने प्रॉमिस कर रखा है 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा आपको, और एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ भी गया है। बाकी 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा आपको। और हाँ, थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड फीचर होता है वायरसेस और थेफ्ट से बचाने के लिए। सो चलिए अब बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। सो बैटरी को फुल चार्ज होने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा आपको, 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फोन से आप। वहीं अगर हम कैमरा के बारे में बात करें, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, क्वाड फंक्शन के साथ। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसिंग के लिए है। वहीं थर्ड कैमरा 2 MP का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं फ्रंट में 13 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे आप। तो ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है, एवरेज टाइप का है, मतलब डिसेंट टाइप का आप कह सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन लो लाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छा नहीं है। सो कैमरा मानकर चलो काम चलाओ रहने वाला है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 680 प्लस का 5G चिपसेट, जो कि 8nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन थोड़ी बहुत कम होगी। 3 लाख के आसपास अंतत्व स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर है। UMCP का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जिसे आप UFS 2.1 स्टोरेज इतना मान सकते हैं। LPDDR4X वाला रैम है, एंड वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा विद एंड्रॉइड 12 अपडेट। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन अच्छा रहेगा, लैग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं बिना किसी लैगिंग इशू के। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो इस फोन में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, जिससे ये एक फुल्ली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन बन जाता है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। ड्यूल बैंड वाईफाई दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है। इतना ही नहीं, NFC का भी सपोर्ट अवेलेबल है। सो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये फोन, और वैसे भी मोटो के ज्यादातर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी में बहुत ही अच्छा रहता है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो ये फोन 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसके साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है, स्पेशली इस प्राइस रेंज पर। 240Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए,
500 nits की पीक ब्राइटनेस है जो कि डिसेंट टाइप का ब्राइटनेस लेवल है। वाइड बैंड L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे और डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले का साइज बड़ा है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ आता है, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, जिसके लिए आपको 12,250 रुपए पे करने होंगे फिलहाल, और 1,000 से 500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो देखा जाए तो 12,000 के प्राइस पॉइंट पर ये एक सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। स्पेशली 12,000 के प्राइस पॉइंट पर 12 5G बैंड्स दे रहा है ये फोन। परफॉर्मेंस इशू नहीं होगा, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बाकी कैमरा परफॉर्मेंस भी डिसेंट टाइप का है और बिल्ड क्वालिटी तो है ही जबरदस्त। डेफिनेटली इस फोन को आप ग्रैब कर सकते हो 12 से 13,000 के बीच में। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 3 पर भी हमने आपके लिए एक 5G फोन को ही रखा है। फिलहाल ये फोन भी आपको 12 से 13,000 के आसपास मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये भी एक सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सो इस फोन का नाम है पोको M4 Pro 5G। वैसे तो इस फोन का ओरिजिनल प्राइस 15,000 के आसपास है, लेकिन आए दिन ये फोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको 12,000 के आसपास इजिली देखने को मिल जाएगा और फिलहाल ये फोन 12 से 13,000 के आसपास मिल भी रहा है, इसी वजह से हमने इस फोन को इस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। सो चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बट आप जानते हैं पोको के स्मार्टफोन दिखने में बहुत ही अलग होते हैं, थोड़े से यूनिक होते हैं। वैसे डिजाइन पार्ट सब्जेक्टिव होता है, किसी को ये डिजाइन अच्छा भी लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। खैर 8.8mm की थिकनेस है, मतलब थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा है एंड 195 ग्राम वेट है। अच्छी बात यह है कि IP53 की रेटिंग मिल जाती है तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा अनडाउटली। बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। आयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा आपको। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन MIUI 12.5। MIUI 13 का अपडेट आ गया है एंड प्रोबेबली इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है। खैर चलिए कुछ मेन फीचर्स जानते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 से 1.25 घंटा लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इस फोन से आपको। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट, जो कि मिड रेंज में काफी अच्छा चिपसेट है। 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होती है। 3,50,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है और LPDDR4X वाला रैम है। वर्चुअली 3GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। ऑल्सो वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, सस्टेन परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। डे टू डे यूजर्स में किसी भी तरह का लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा आपको। आराम से आप नॉर्मल टू मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, NFC का सपोर्ट नहीं है। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा रिस्पांस देगा आपको गेमिंग के टाइम पर। 500 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। वाइड बैंड L1 सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते। डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है, कलर एक्यूरेसी बहुत ही सही है, मूवीज वगैरह देखने में अच्छा लगेगा आपको IPS डिस्प्ले होते हुए भी। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा आपको डिसेंट टाइप का मिलने वाला है। ये फोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ आता है। तो हाँ, इस फोन में 2 ही कैमरे हैं, जबकि कई सारे कैमरे दिखते हैं। प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इस फोन में आपको मैक्रो लेंस नहीं मिलता है। रियर कैमरे से आप 1080p में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 60MP का कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है और ये सेंसर ओमनी विजन का है। फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा एवरेज टाइप का है या फिर डिसेंट टाइप का आप कह सकते हो, मतलब डे टू डे यूजर्स के लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कैमरा पर्पस के लिए शायद ये फोन आपके लिए ज्यादा बेटर ना रहे। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 4/64 के लिए 12,500 रुपए हैं, 6/128 के लिए 14,500 रुपए और 8/128 के लिए 16,500 रुपए। तीनों ही वेरिएंट पर 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है, अगर आपके पास कोटक बैंक या फिर ICICI बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो।
और 11 से 12000 के प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको 11 से 12000 के प्राइस पॉइंट पर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 5G का सपोर्ट हो, डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छा हो, परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त हो, बैटरी बैकअप से ज्यादा इशू ना हो, तो डेफिनेटली इस फोन को बाय कर सकते हैं आप। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। और नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इसे आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं 12000 के प्राइस पॉइंट पर। तो इस फोन का नाम है पोको M4 Pro 4G। अभी कुछ देर पहले ही हमने इसके 5G वर्जन के बारे में बात किया है, लेकिन ये एक 4G फोन है। 5G फोन में हमें कुछ फीचर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जबकि 4G फोन में हमें सभी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, मतलब प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। लेकिन पोको के स्मार्टफोन हमेशा से डिजाइन वाइज बहुत ही यूनिक होता है। सो आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये। 8.1 mm थिकनेस है, मतलब स्लिम है, पतला फोन है, एंड 180 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। ऑल्सो IP53 रेटिंग के साथ आता है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, जो कि काफी लाउड है, कंटेंट वॉचिंग में काफी मजा आने वाला है आपको। बाकी बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि फास्ट है। ऑल्सो आयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन MIUI 13। इस फोन में 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है और एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ भी गया है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह का एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जरूर मिलेंगे आपको। बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इस फोन से आपको। बात करते हैं इस फोन के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है इस फोन का डिस्प्ले। सो इस फोन में आपको मिलता है 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 180Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। ये फोन 1000 नीट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे आपको ब्राइटनेस से बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। आउटडोर यूजर्स में भी वाइड वन एल्बम सर्टिफाइड है, HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते और डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सो 12000 के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है आपको, मतलब इस प्राइस रेंज पर इससे बेटर डिस्प्ले आपको किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। मल्टीमीडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन रहने वाला है ये। बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 MP का है, सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 MP का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो ओवरऑल इस फोन का कैमरा डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, डे टू डे यूजर्स में कोई इशू नहीं होगा। सेल्फी कैमरे की परफॉर्मेंस भी एवरेज है, अभी भी कैमरे के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek G96 का 4G चिपसेट, जो कि एक कैपेबल चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट नहीं है, बैटरी कंजम्पशन ज्यादा हो सकती है। 3,10,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप दिया गया है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 3GB तक रैम भी बढ़ा पाएंगे, एंड ऑल्सो ये फोन लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। बट फिर भी इस फोन में आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इश्यू जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चिपसेट है हीटिंग को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। डे टू डे यूजर्स में ज्यादा लैग और शटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, बाकी नॉर्मल टू मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हैं आराम से आप। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट, 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट अवेलेबल है और ये अच्छी बात है। ड्यूल बैंड वाईफाई दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आता है और NFC का भी सपोर्ट अवेलेबल है। सो कनेक्टिविटी के मामले में सभी फीचर्स अवेलेबल है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल आपको 6/64 के लिए सिर्फ 12,000 रुपए देने होंगे, वहीं 6/128 के लिए 13,000 रुपए और 8/128 के लिए 14,500 रुपए। तीनों ही वेरिएंट के ऊपर 1,000 से 500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो 12,000 के आसपास यही एक ऐसा फोन है जिसमें आपको 6GB रैम मिलता है, इसके साथ ही सुपर एमोलेड 90Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, कैमरा परफॉर्मेंस भी डिसेंट टाइप का है, बाकी डिजाइन वगैरह तो है ही अच्छा। 12000 के प्राइस पॉइंट पर मेरे हिसाब से सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये भी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो
तो इस फोन का नाम है Realme 8। इस फोन को लॉन्च हुए वैसे तो एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इस फोन का प्राइस 16,000 के आसपास था और अभी भी है। बट फिलहाल ये फोन आपको 12,000 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर अभी भी इस फोन को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि 13,000 के आसपास देखे तो इस फोन में हमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए सभी चीजें डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ आता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ। हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है, 8mm की थिकनेस दी गई है, मतलब ये फोन स्लिम है, पतला है एंड 177 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। बाकी डिजाइन अच्छा मिल जाएगा। वैसे स्मार्टफोन के अंदर डिजाइन पार्ट सब्जेक्टिव होता है, तो किसी को अच्छा भी लग सकता है और किसी को नहीं भी लग सकता है। इसके साथ ही इस फोन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन, मतलब 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल मोनो स्पीकर के साथ आता है जो कि ठीक ठाक साउंड प्रोवाइड करा देता है। बायोमेट्रिक के लिए इस फोन में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है ये फोन बेस्ड ऑन Realme UI 2.0। जैसे इस फोन को आप परचेज करेंगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा आपको। कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और उसी को चार्ज करने के लिए 30 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में एंड नॉर्मली इस फोन से भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस फोन का। इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, लेकिन 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा गेमिंग के लिए एंड अप टू 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको ब्राइटनेस से बिल्कुल भी इशू नहीं होगी। ऑल्सो इस फोन का डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड है और ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग में काफी आपको मजा आएगा, बस स्टीरियो स्पीकर होता तो और मजा आ जाता। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है MediaTek G95 का 4G चिपसेट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मतलब बैटरी एफिशिएंट चिपसेट नहीं है ये, थोड़ी बहुत बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो सकती है। वैसे 3 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.1 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे विद एंड्रॉइड 12 अपडेट, तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं होगी, मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। BGMI में आपको 50fps तक गेम प्ले मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ड्यूल 4G वोल्टी मिल जाएगा, 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, ड्यूल बैंड वाईफाई दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ आता है और NFC का भी सपोर्ट नहीं है, सो कनेक्टिविटी के मामले में डिसेंट टाइप का रहने वाला है। हो सकता है अपडेट के थ्रू 4G प्लस का सपोर्ट आ जाए। अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा सेटअप भी अच्छा मिल जाएगा इस फोन में आपको। ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि ओमनी विजन का सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है, और फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। रियर कैमरे से आप 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में 60fps तक। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो रियर कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा आपको, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा से आपको निराशा नहीं होगी। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो 4/128 के लिए 16,000 रुपए है और 6/128 के लिए 17,000 रुपए और 8/128 के लिए 18,000 रुपए। फिलहाल इस फोन पर 3,000 रुपए से भी ज्यादा का बैंक डिस्काउंट अवेलेबल है, 2680 रुपए का तो प्रीपेड डिस्काउंट है, जो कि आपको सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा, और अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो 750 रुपए का और अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फिलहाल ये फोन बैंक ऑफर के साथ 12,500 के आसपास मिल जाएगा और 12,500 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये, क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है बहुत ही पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और भी कई सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 16,000 के आसपास तो इस फोन को आप मत बाय करना, लेकिन 12,000 से 13,000 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली इस फोन को अभी भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। तो गाइज यही थे इस लिस्ट के टॉप 4 बेस्ट फोन अंडर ₹12,000। जो भी स्मार्टफोन मैंने आपको बताया है, इन चारों स्मार्टफोन के प्राइजेस हमेशा फ्लैक्चुएट होती रहती है, लेकिन अक्सर ये चारों फोन आपको 12,000 से 13,000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। बाकी सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी भी आपको कुछ डाउट और कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।